अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड टीच। आई एम मोहम्मद दाऊद, लेक्चर इन कंप्यूटर साइंस। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे प्राइम फैक्टराइजेशन एंड इंडेक्स नोटेशन। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं 1.2 एक्सरसाइज को, कि अब एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। तो क्या करते हैं, इसमें से किसी एक नंबर का वो फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, और फिर उसको हम इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 144। अब 144 ये ए पोर्शन है, ठीक है। 144 इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और फिर इसको हम इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 144। टू से स्टार्ट करते हैं, टू से 14 और टू टू ज़ार 4, टू थ्री ज़ार 6, टू सिक्स ज़ार 12, टू वन ज़ार 2, टू एट ज़ार 16, टू नाइन ज़ार 18, थ्री थ्री ज़ार 9 एंड थ्री वन ज़ार 3। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई, ये आ गया 144 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। 4 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसकी इंडेक्स नोटेशन क्या होगी, अब इसमें देखते हैं कि कितना कौन से नंबर मोर देन 1 और 2 टाइम्स आए। तो इसमें अगर हम 2 को देखें तो ये आया है 1 2 3 4 टाइम्स आया है, तो इसको हम एन ए प्राइम फैक्टर हो गया। और इंडेक्स नोटेशन क्या होगी इसकी, इसमें 2 जो है ये आए हैं कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने टाइम आया है, ये 2 टाइम आया है, तो 3 पावर 2। ये इसका क्या हो गया, ये इसका इंडेक्स नोटेशन हो गया। ठीक है, इसको हम रेक्टेंगल में से इसलिए करते ताकि आंसर का पता चले कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें एक और पोर्शन भी हम करते हैं, लाइक क्वेश्चन ई नंबर, क्वेश्चन नंबर ई, सॉरी पोर्शन नंबर ई, जिसका क्वेश्चन है 7880। ठीक है, अब इसको हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं इसके, ये 7880 ये आ गया 2 से स्टार्ट करते, 2 3 ज़ार 6, 2 9 ज़ार 18, 2 4 ज़ार 8 एंड 2 0। ठीक है, अब इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, ये आता है हमारे पास 2 1 ज़ार 2, ये आ गया 19, 2 9 ज़ार 18, ये आ गया 14। ठीक है, 2 9 ज़ार 18 वन आ गया, 14 आ गया, 2 7 ज़ार 14 और 0 अपने आप आ गया। अब देखते हैं फिर 2 2 9 ज़ार 18, ये 17 हो गया, 2 8 ज़ार 16 ये 10 हो गया, 2 5 ज़ार 18। अब इस ये देखिए कि ये 3 पे डिवाइड होता है कि ना, अगर 3 पे हो तो 3 पे डिवाइड करते हैं, अगर 3 पे डिवाइड नहीं होता है तो फिर इसको हम डिवाइड करते हैं 5 पे, फर्दर 10, 7 पे, 11 पे, इस तरह प्राइम फैक्टर जितने भी हैं हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 3 पे चेक करते हैं, 3 के लिए शर्त है कि जो नंबर है इसके सम को हम 3 पे डिवाइड करते हैं, अगर वो 3 पे डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। 8 और 8 16 16 और 5 ये 21 आता है, तो 21 3 पे डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये क्या लिखते हैं इसको, हम लिखते हैं 8 और 8 16 और 5 ये आता है 2 8 16, सॉरी ये इसमें हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है,
ये आता है एक क्योंकि 19 है तो ये आता है 2 9 18, ये इसमें क्या रह गया, ये 17 हो गया, 2 8 16 और 2 5 10, तो अभी आता है 9 8 5। तो अब 9 8 5 को हम देखते हैं कि ये 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं, तो 9 और 8 17 17 और 5 ये आता है 22, जो कि 3 पे डिवाइड नहीं होता है, तो अंक उसको हम 5 पे डिवाइड करते हैं, 2 5 5 1 5, इसमें 4 रह गया, ये 48 हो गया, 5 9 45, ये 5 1 5 1 5, ये 40 48 हो गया, 45 रे और इससे रह गया, तो ये आता है 45 और 3 ये 3 रह गया, ये 35 और 5 7 35, ठीक है। अब आ गया 197। अब ये प्राइम फैक्टर बाद नंबर ऐसे होते हैं जो कि चूंकि बहुत बड़े भी होते हैं लेकिन फिर भी वो प्राइम होते हैं, तो प्राइम नंबर की एक प्रॉपर्टी है कि अपने आप और वन से अलावा वन के अलावा किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं होता है, तो इसके लिए हम उसी नंबर को अपने आप पे ही डिवाइड करते हैं, 197, ठीक है, ये 1 पे डिवाइड होगा, तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए हमारे पास 7880 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 5 × 197, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गया। अब इंडेक्स नंबर क्या होगा, इसका इंडेक्स नंबर, अभी इंडेक्स नोटेशन या सॉरी इंडेक्स नंबर नहीं इंडेक्स नोटेशन, ठीक है। अब ये इसमें देखिए 2 जो है ये 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है अपने आप, तो ये रिपीट हुआ है 3 टाइम, तो इसको हम लिखते हैं 2 power 3 × 5 × 197, ये इंडेक्स का नोटेशन हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स कोई भी पॉइंट पे आपको कोई मसला हो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियोज हैं वो आप तक आसानी से आप तक पहुंच जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।